गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप घर पर हैं, आप स्वस्थ हैं और ऐसे ही आप अपना ध्यान रखिए और आप अपना काम टाइम पे करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन। हम इसके पीछे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, किसको, इसके बारे में कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था आपको कि जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह इधर से, और जो इधर के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो सारे इसके अंदर कवर है। और हमारी ये इसके अंदर हम फिर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3। फर्स्ट में क्या है हमारा, जो हमारा पूरा माउंटेन है ये किससे बना हुआ है, K2, इसको बोलते हैं मतलब कराकोरम रेंज, ग्रेट हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये इसे हमने अपने जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है ये जम्मू कश्मीर से लेके के से लेकर और अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर जो हमारे मणिपुर मिजोरम जो दूसरे स्टेट है वो सब कवर करते हैं इसको। और हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, कराकोरम रेंज, ग्रेट हिमालय आ गया इसके अंदर, और फिर क्या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज है इस साइड। K2 में हमने पढ़ा मतलब कराकोरम रेंज में हमने क्या पढ़ा। अब आपको मैं बता देती हूँ जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है ये किससे बना है, कराकोरम रेंज, ग्रेटर हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। क्लियर हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं हम इसको कि इसके अंदर कराकोरम रेंज के अंदर है कौन सी हाईएस्ट पीक है, K2 जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ओके, अब आ जाते हैं हमारा अपना ग्रेटर हिमालय में, जो ग्रेटर हिमालय है इसी के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, यस, माउंट एवरेस्ट जो पीक है वो इसी के अंदर, किसके अंदर है, ग्रेटर हिमालय के अंदर है। ठीक है, इन्हीं में से ये पीक है, ये है ना, ये सब हमने माउंटेन बनाए हुए हैं। तो जैसे मान लो ये है, ये हाईएस्ट पीक बना दिया हमने। ओके, हाईएस्ट पीक यहाँ पर है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट के अंदर हमने ग्रेटर हिमालय के अंदर हमने ग्रेटर हिमालय को भी फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो हमारे ये हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक हो जाता है कौन सा था, हिमाद्री, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, हिमाद्री इस वाले पोर्शन जो मिडल वाले, इसको हमने जो हमारा हिमालय है हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। 2 में आ जाएगा हमारा हिमाचल, हिमाचल इसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल मतलब बीच में, जो बीच में है ना, ये अपर वाला तो सबसे ऊपर वाला तो क्या हो गया हमारा ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, बीच का हमारा क्या है, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल, और थर्ड हमारा या फिर आउटर वाला क्या हो गया, जो आउटर सबसे लास्ट वाला जो सबसे नीचे वाला उसको क्या बोलेंगे हम, आउटर हिमालय या फिर शिवालिक, क्या है ये, शिवालिक हमने पढ़ लिया था, ये शिवालिक। अब हमने पढ़ा फिर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इसी के अंदर शिवालिक के अंदर क्या टूरिस्ट प्लेस को
क्या वो इसके अंदर हिमाचल के अंदर कौन कौन से है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, जो इंडिया का एक स्टेट है और इसकी कैपिटल है शिमला। और इसी के ये बहुत सारे क्या बोलते हैं मेन प्लेस है जो कि टूरिस्ट के लिए आते हैं। और ये क्या हिल स्टेशन का भी, हिल स्टेशन पे आते हैं कुल्लू मनाली शिमला नैनीताल नैनीताल मंसूरी। तो ये कहां पर है? ये यहां पर है कुल्लू मनाली और शिमला, ये सब कहां पर है? यहां पर जो समर वेकेशन में ये हिल पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कोल्ड प्लेस है, यहां पर तो माउंटेन है। क्यों? क्योंकि तो सनो कवर्ड है, बर्फ से ढकी हुई है ना ये। तो अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, आपको मैंने पहले ही बताई थी कि जो हमारी स्नो कवर्ड है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, इन्हीं से जब स्नो मेल्ट होती है, जब बर्फ पिघलती है तो कहां पर? तो यहां से रिवर्स आती है, बन जाती है वो रिवर्स। तो एक रिवर यहां पर, यहां से माउंटेन की यहां से कहां जाती है? सिंधु रिवर। क्या बोलते हैं? हिंदस रिवर। कौन कौन सी फोर मेन रिवर्स? हिंदस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर एंड ईस्टर्न में से कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में से कौन सी है? यस, ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा रिवर बिल्कुल लास्ट से आती है, तब इंडिया के इधर से इंटर करती है। तो फोर मेन रिवर्स है जो इधर कहां से ऑरिजिनेट होती है, हिमालय से निकलती है वो रिवर्स। ओके, और इसके बाद हमारा आ जाता है जब रिवर मेल्ट होकर कहां पर आती है, माउंटेन से स्लोपिंग एरिया मतलब ढलान पर आते, तो क्या बन जाते हैं वहां पे? फॉरेस्ट। क्या होता है वो? फॉरेस्ट होते हैं। और जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर वाइल्ड एनिमल्स भी होगी। तो हम आज हम पढ़ेंगे क्या, ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है इसकी क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, क्लाइमेट यानी कि वहां का मौसम कैसा है। मान लो सर्दी है तो क्यों है, ठीक है, क्लाइमेट में आते हैं गर्मी है तो क्यों है। तो क्लाइमेट में आते गर्मी सर्दी, तो क्या है, हम क्लाइमेट रीड करेंगे। फिर वेजिटेशन होती है बच्चों कि वहां पर कैसे किस टाइप के पेड़ मिलते हैं, लंबे हैं छोटे हैं पत्ती वाले हैं मतलब जिनके ऊपर लीव्स ज्यादा है तो वो कैसे है, ठीक है, फ्रूट वाले हैं कैसे है, तो वो हमारे वेजिटेशन क्या है। फिर है तराई रीजन, जो शिवालिक वाली जो ये रेंज है, जो सबसे नीचे वाली है ये, सबसे आउटर वाली है ये, तो इसी रेंज में क्या है, तराई रीजन। और फिर हम तराई रीजन में हम क्या पढ़ेंगे कि वहां पर वाइल्ड लाइफ कैसे है, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ भी होंगे, और वाइल्ड लाइफ भी होंगे तो वहां पर टूरिस्ट भी होंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता हम इन सब चीजों का, जो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या रीजन जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, तो हम ये आज अपने चैप्टर में रीड करेंगे। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि स्लोपिंग एरिया है वहां पर कौन सी फार्मिंग की जाती है, ट्रेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना, ट्रेस फार्मिंग की जाती है। ट्रेस फार्मिंग कहां पर होती है? ट्रेस फार्मिंग क्या है? ट्रेस फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग, एक तरह की क्या है, खेती की जाती है, फार्मिंग की होती है ऑन हिल स्लोप, जो हिल होता है पहाड़ी, स्लोपिंग स्लोप्स होते हैं ढलान, इन हिली एरिया स्टेप। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश होती है और फिर अगर वो ढलान पर ये ट्रेस फार्मिंग नहीं करेंगे तो मिट्टी बहा जाएगी, मिट्टी बहकर चली जाएगी, और फिर ऐसे मिट्टी बहाकर चली जाएगी तो फिर क्रॉप नहीं हो पाएगी ना। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस फार्मिंग। और फिर हमने इसके आगे पढ़ा था पूर्वांचल रेंज, या इसको जो हमारी पूर्वांचल रेंज, तो ईस्टर्न, जो ईस्टर्न की जो सबसे लास्ट की ना, ईस्ट साइड की बिल्कुल लास्ट की, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम पूर्वांचल रेंज भी बोलते हैं। पूर्वांचल रेंज आर द ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ हिमालय, तो पूर्वांचल के बिल्कुल लास्ट में हिमालय की एंडिंग हो जाती है, यानी वहां पर वो खत्म हो जाते हैं ईस्ट साइड से। दस स्पीड, और कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं, असम मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड मेघालय और मिजोरम। पूर्वांचल रेंज में जो हमने क्या बताया था,
नॉर्थ ईस्ट बताया था ना माउंटेन रेंज, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, तो वो कहां पर थी? ये थी असम। आपको ये स्टेट का याद होने चाहिए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और यहाँ की जो मेन वो थी क्या, हिल्स कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंती, नागा, मिजो, लुशाई, ये है मेन हिल्स। क्या है ये? मेन हिल्स। और इन इनकी जो रेंज है कोनिकल पीक, जो इनकी चोटी कैसी है, ऐसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे इनकी स्टेप एंड डीप वैली, इनकी जो है ना स्लोप है वो कैसी है, ढलान वाली है, और आगे फिर क्या है, डीप वैली, गहरी वैली है इनकी घाटी है। और फिर आगे मैंने बताया था इसमें कि वहां की खासी, मेघालय की जो खासी हिल्स है वहां पर मोवासन राम में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, मतलब हमारी अर्थ सबसे ज्यादा वीटेस्ट है, वीटेस्ट मतलब सबसे गीली, वीट होता है वेटेस्ट होती है सबसे गीली, तो गीली जगह है नी, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, वेट होता है गीला, वेटेस्ट होता है सबसे गीला, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बताया था, ये सब हमारा लास्ट का पूर्वांचल, ठीक है। और मैंने आपको जब बोर्ड पर दिखाया था कि बिल्कुल ये ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे लास्ट से, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से बिल्कुल लास्ट से यहाँ से इंडिया के अंदर इंटर कर होती है। अभी इसके अंदर हमने पढ़ा था पास, ये पास इज रूट ऑफ पाथ थ्रू टू माउंटेन, जो टू माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, पास, पास बोलते हैं। क्योंकि क्यों इसलिए यूज किया जाता है, क्रॉस द माउंटेनिंग, किसी माउंटेन को क्रॉस करने के लिए बीच का जो रास्ता बना देते उसको क्या बोलते हैं, पास। और मेन पास पास कौन कौन से थे, रोहतांग पास, जो जिला बारालाचा, ला शांगला, चांगला, नाथुला, शिपी किला, और दारादुंग, खारादुंग, खारदुंगला, ठीक है। अब इस सबके पीछे ला ला का मतलब पास होता है, द वर्ड ला मीन्स ए पास, पास होता है जिसको मतलब क्रॉस करने के लिए, ओके। हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट, द ग्रेटर हिमालय एक्सट्रीम, जो ग्रेट हिमालय वहां पर, जब पता है कि वहां पर स्नो है, बर्फ है, तो वहां पे कोल्ड ही होगा। लेजर हिमालय जो बीच है वो कैसा होता है, वो गर्मियों में अच्छा होता है, जो बीच वाला हिमालय है ना, सबसे ऊपर वाले पर तो क्या है, बर्फ जमी रहती है, दूसरे वाले पर ठंडा रहता है, जिसमें कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं, नैनीताल, कुल्लू, मंसूरी, शिमला, वो आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सम स्टार्ट द रीजन गेट हैवी स्नोफॉल, और यहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी, बहुत ज्यादा बर्फ भी होती है। विंटर टेम्परेचर फॉल ए बिलो 0 डिग्री, और जो सर्दियों का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, 0 डिग्री। द हिमालय ग्रेटली इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो जो इसका हिमालय का जो क्लाइमेट है वो इंडिया को इसका इफेक्ट पड़ता है, कैसे, जो हमारे जो प्रिवेंट आर्टिक विंड, जो बिल्कुल ठंडी हवाएं आती है ना आर्टिक से, आर्टिक रीजन से जो बिल्कुल ठंडी हवा, तो हमें उससे कौन बचाता है, हिमालय, ब्लोइंग साउथवार्ड इन टू इंडिया, जो साउथ की तरफ बहती है, क्या वो जो ठंडी हवाई होती है, विंड होती है, वो साउथ की तरफ बहती है, और साउथ में क्या है, इंडिया, दिस कीप इंडिया वार्म, और बीच में हिमालय आ जाता, तो इसलिए इंडिया क्या वार्म है, क्या गर्म है। अगर बीच में हिमालय ना हो, बीच में हिमालय ना हो तो यहाँ भी खूब ठंड हो, ठीक है ना, वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, लेकिन बीच में हमारे हिमालय आ गया इसलिए हमारे यहाँ वार्मर है, गर्म है। दे एक्ट एज द बैरियर फॉर द मानसून विंड, और फिर ये किसमें बैरियर है, जब मानसून की जो विंड आ जाती है वो उसमें भी बैरियर है, मतलब रास्ता रोकता है। वेजिटेशन है हम इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी है वेजिटेशन इसके अंदर, द वेजिटेशन आर द साइप्रस, सेंसी मोस्टली कवर्ड विद स्नो, यहाँ पर क्या है ज्यादातर
बर्फ होती है. द ओनली वेजिटेरियन फाउना आर शर्ब, मोसीज, लीचन एंड वाइल्ड फ्लावर लाइक एडलवाइज एंड ब्लू पॉपीज. जब जहां पर बर्फ ज्यादा होगी, आपने देखा सर्दियों में यहाँ पर जब ज्यादा बर्फ हो तो फसल खराब हो जाती है ना, तो ऐसे ही वहां पर ज्यादा बड़े पेड़ नहीं मिलते, सिर्फ छोटे छोटे मिलते हैं. ठीक है, तो ज्यादा नहीं मिलते लीचन वगैरह के, मोसीज है, शर्ब है, ये चीज मिलते हैं, या फिर ब्लू पॉपीज. अब आ जाते हैं लेजर हिमालय, जो बीच वाले हिमालय में क्या कौन कौन से होते हैं. अब आपको पता है जो बीच वाला हिमालय है मतलब जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, तो हमारे मोस्टली फ्रूट वहीं से आते हैं. इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रूट कहाँ से आता है? हिमाचल से आता है, जो जिसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं. थिक फॉरेस्ट इन पाइन, ओक, फिर सप्रूस, वॉलनट, पॉपुलर, साइपर्स एंड बाइरिच आर द नेचुरल वेजिटेशन इन दिस रीजन. आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, ये इस टाइप के पौधे कहाँ पर होते हैं? ये मिडल हिमालय में, और फ्रूट्स वगैरह के ये होते हैं. देयर आर ऑर्चार्ड ऑफ प्लम चेरीज एप्पल पीचिस पियर्स अमंड इन दिस रीजन. यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह ये चेरीज है, प्लम आड़ू, एप्पल सेब, पीच, पियर होते हैं ना जो अमरूद टाइप जैसे अमरूद की तरह दिखते हैं वो, अमंड, बादाम. कहाँ पर होते हैं वो? हाँ, हिमाचल में होते हैं, वहां से आते हैं सारे. आपने देखो कि ज्यादातर जो एप्पल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कश्मीर, उस वहां से आते हैं, हिमाचल से. अब बतराई रीजन, द वेजिटेशंस. अब जो तराई रीजन में, वहां पे कौन कौन से पेड़ उगते हैं? साल, टीक, कीकर, बबूल. अब जो फर्नीचर्स वगैरह वो चीज कहाँ, किस इसी में तो काम आते हैं ये फर्नीचर्स वगैरह बनाने में, तो कहाँ पर काम आते हैं? इन लकड़ियों से तो इस्तेमाल होता है. और फॉरेस्ट में क्या क्या है? फॉरेस्ट आर द बींग द क्लियर टू ग्रो ग्रो. और जो फॉरेस्ट को साफ करके कौन कौन सी फसल उगाई जाती है वहां पर? वीट, राइस एंड शुगर केन. क्या क्या? वीट, राइस, वीट होते गेहूं, राइस चावल, एंड शुगर केन गन्ना, ये उगाए जाते हैं. अब वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं. वाइल्ड लाइफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ होता ग्रेटर हिमालय इंक्लूड याक, स्नो लियोपर्ड, मस्क डियर, वाइल्ड शिप एंड गोट. तो कौन कौन से पाए मिल जाते ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर वाले में जहां पर बर्फ होती है, वहां पर कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये वाले कौन कौन से है? याक, स्नो लियोपर्ड. लियोपर्ड होते हैं लियोपर्ड, इसको इसकी जैसे जैसे लिखते हैं, जैसे ये होते हैं ना चीते की टाइप से, जैसे चीता होता है वैसे ही लियोपर्ड होता है. मस्क डियर, वाइल्ड शिप जंगली भेड़ एंड गोट बकरी, टाइगर, रिहेनो, लियोपर्ड, तेंदुआ. लियोपर्ड क्या होता है? तेंदुआ. एंड मैनी टाइप ऑफ डियर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ लेजर हिमालय. लेजर होता है जो हिमाचल में ये चीजें पाई जाती है. अब ये वाले लेजर में आ जाते हैं हिमाचली बोलते हैं, और ये इधर भी उत्तराखंड वगैरह, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वहां पर भी आ जाते हैं. अब द वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट इन द तराई इंक्लूड द जैकल, हाइनाज, एलिफेंट, टाइगर. ये सब कहां पर है? वाइल्ड लाइफ है ये सब. ठीक है, एंड टाइगर्स, एंड टाइगर्स और अब यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क ये पढ़ लेते हैं. एज सम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होते बच्चों कि जहां पर जंगली जानवरों को रखने के लिए, देखरेख के लिए एक स्पेशल एरिया बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरीज. ठीक है, लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क.
ये तो नेशनल पार्क है, इसके अंदर मतलब जा सकते हैं, लेकिन बच्चे मतलब इसका क्या है, एनिमल्स का हम हंट नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते। तो क्या है, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द प्रोटेक्ट जोन, प्रोटेक्ट होता है उनको बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक जोन एरिया बनाया जाता है। रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द वाइल्ड, जो सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है। द एनिमल हेयर लिव इन नेचर सराउंडिंग विदाउट द फियर ऑफ बींग हंटिंग, वो वहां पर बिना डर के, जानवरों को डर होता है ना कहीं हमारा शिकार ना कर ले या और कुछ, तो वहां पर उनका शिकार नहीं कर सकते, इसलिए उनको ऐसी एनवायरमेंट दी जाती है कि बिल्कुल नेचुरल, की जैसे उनको फॉरेस्ट में होता है उनको ऐसे बना के दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय पढ़ लेते हैं फटाफट। इम्पोर्टेंस क्यों हिमालय, क्योंकि ये एक नेचुरल वॉल है या बैरियर अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ द प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉर्डर्स, ये एक बॉर्डर बना लिया, मतलब सीमा रेखा बना दी है। इधर क्या है, चाइना है ना, तो चाइना के इधर वो हमारे क्या है, कौन प्रोटेक्ट करता है हमारा, हाँ हिमालय प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो आसानी से, तो मान लो चाइना हम पर जल्दी आसानी से हम पर अटैक भी नहीं कर पाता। द प्रोटेक्ट अस कोल्ड विंड, और ये हमसे क्या, कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा आती है कहाँ से, जो बाकी एशिया वाला पोर्शन है वहां से ठंडी हवा नहीं आती, कौन प्रोटेक्ट करता है, हिमालय। द रिवर ओरिजिनेट, अब यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय कैरी फर्टिलाइज सॉइल फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द प्लेन, और जो यहाँ से माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स निकलती है जो कि प्लेन एरिया के लिए, ठीक है, जहां पर खेती करते हैं ना, प्लेन एरिया, माउंटेन को छोड़कर प्लेन एरिया, तो वहां पर क्या, फर्टिलाइज के लिए वहां पर अच्छी सॉइल लेके आती है, कौन, रिवर्स। दीज रिवर आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और फिर जो रिवर्स आती है उनसे क्या होती है, क्या बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो होता है, हाइड्रो होता है बिजली, हाइड्रो होता है पानी, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पानी से जो बांध बनाकर जो बिजली बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी से जो बिजली बने, बड़े बड़े बांध बनाकर, डैम बनाकर जो बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो डैम वो कहाँ कहाँ बनेंगे, जहां पर रिवर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दीज माउंटेन्स स्टॉप द रेन बेयरिंग मानसून विंड द फ्रॉम द गोइंग फर्दर नॉर्थ। अब जो माउंटेन है ये कौन सा, द ग्रेट हिमालय है, ये जो मानसून आती है ना, बारिश करती है किसमें, जुलाई टू सेप्टेम्बर लास्ट तक जब ये बारिश होती है, तो वो इंडिया के अंदर बारिश करती है, फिर आगे माउंटेन आ जाता है, माउंटेन के आगे वो क्रॉस नहीं कर पाती, क्या जो बादल है वो आगे क्रॉस नहीं कर पाते, और फिर सारी बारिश कहाँ पर हो जाती है, इंडिया के अंदर होती है, तो किसके लिए बैरियर है, वो मानसून के लिए, जो विंड है उनके लिए। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड एंड हर्ब, दे आर ऑल्सो नेचुरल होम ऑफ एनी काइंड ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, और वो जो बर्ड है और एनिमल्स के लिए नेचुरल होम जैसा बन जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल और वुड एंड हर्ब, और जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए वैल्यूएबल जो लकड़ियां हैं वो, और हर्ब जड़ी बूटियां हैं वो हमारे लिए काम आते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर रीड किया है हिमालय के बारे में, हम पूरा हिमालय घूम के आए हैं, ठीक है। आपको ये मैं सारा का सारा मैंने इसके बारे में बता दिया, द नॉर्थन माउंटेन के बारे में है और कहाँ क्या क्या की चीजें है। आप इस वीडियो को बार बार में देखो, जो मेन पॉइंट है आप उसको नोटबुक में आप नोट करते रहे, अपना ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस वीडियो को बार बार में देखो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।